नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में अगले महीने से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस इन तमाम राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आना चाहती है, वहीं मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी जीतने की जुगत भिड़ा रही है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को वोट चाहिए और वोट जुटाने के लिए दो तरफा राजनीति कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। एक तरफ फिलिस्तीन और गाजा का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है, वहीं उसके नेता दूसरी तरफ हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हिंदुत्व का कार्ड खेला है। कमलनाथ ने वादा किया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनाने की जो योजना उन्होंने शुरू की थी उसे वो दोबारा से शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में जब 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तब उस वक्त कमलनाथ सीएम थे और उन्होंने श्रीलंका में सीता जी के मंदिर का निर्माण कराने की योजना शुरू की थी। योजना परवान चढ़ पाती उससे पहले ही बीजेपी ने कमलनाथ से सत्ता छीन ली और इसके साथ ही सीता जी का मंदिर बनाने की योजना भी पूरी नहीं हो पाई। अब चुनाव से पहले कमलनाथ ने इस मंदिर को बनवाने की योजना शुरू करने की बात कही है। खास बात यह है कि कमलनाथ जहां हिंदू वोटरों को ध्यान में रखते हुए सीता जी का मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के एक और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास में नवमी पर कन्या भोज कराए जाने को एक नौटंकी बताया था। दिग्विजय के इस बयान को बीजेपी और शिवराज ने मुद्दा भी बनाया जिसे वो जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश के पड़ोसी कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहां पर भी सीएम भूपेश बघेल ने हिंदू कार्ड खेला है। उन्होंने ऐलान किया कि दोबारा कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने पर राम वनगमन मार्ग को पूरा करवाया जाएगा। ये राम वनगमन मार्ग जो है इसका निर्माण साल 2021 में सीएम भूपेश बघेल ने ही शुरू कराया था और इसके बाद अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है और अब चुनाव के वक्त दोबारा से इसकी बात हो रही है। उधर कांग्रेस अपने वादों में मुफ्त की योजनाओं और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा भी कर रही है, लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस को इन वादों के जरिए आखिर कितनी सीटें मिल पाती हैं, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में मुफ्त की योजनाओं और पुरानी पेंशन योजना लागू करने के वादे ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी जरूर करा दी थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का ये जो दांव है ये एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापसी करवा पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।